इसी तरह जो गुरूब आफ्ताब से इफ्तार के लिए शर्त है, सूरज का डूबना ये शर्त है। अगर आप जिस आपके यहाँ पर है मान लो आज 7:05 पर इफ्तार का वक्त है, लेकिन आप जो है आपने सफ़र किया, आपका रोज़ा है और आप जो है दूर चले गए 100-150-200 किलोमीटर, आज मामूली बात है, इतनी स्पीड गाड़ियाँ वगैरह चलती हैं, एसी चलती है, तो रोज़े रख के भी लोग जाते हैं, तो वहाँ चले गए। अब वहाँ जाकर उसका 10 मिनट का फ़र्क आ गया तो वहाँ के हिसाब से उसको रोज़ा इफ्तार करना पड़ेगा, क्योंकि उसकी शर्त क्या है, सूरज का डूबना शर्त है। ये नहीं कि सोचे हमारे यहाँ पर भाई मंसूर का रोज़ा है यहाँ पर रखा मेरे इलाके में तो मैं अब मेरे इलाके खोलूँ, आप तुम्हारे बाद में खोलते रहें, तो ऐसा नहीं होता। जैसे जहाँ आदमी जाएगा वहाँ के हिसाब से इसका शर्त क्या है, ये जो है सही बुखारी की रिवायत है हदीस नंबर 1954 के अल्लाह के रसूल फरमाए कि तुम जो है सूरज डूब जाए तब इफ्तार करो, और ये इसकी शर्त है। तो जहाँ जा रहे हैं उसके हिसाब से रोज़ा बढ़ जाएगा। अगर बैरूनी मुल्क यानी आदमी हिंदुस्तान से ही बाहर जा रहा है तो वहाँ से उसका रोज़ा बढ़ जाएगा, वो चाहे 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा भी बढ़ जाएगा, वहाँ के हिसाब से उसके अंदर जो है उसको इफ्तार करना है।